निकाल देख रहे, मंगलसूत्र तोड़ दिया, समझ में आएगा नहीं, पर आपको समझ में आएगा नहीं, जो चाहिए इस घर में वो ही पैदा हुए हैं आपकी कोख से, क्या होगा पैदा हुए हैं आपकी कोख से, तो इस हक से तो आपने बकवास बंद करो, ये ऐठन इसीलिए दिखा रहे हो ना कि बचपन से लेकर आज तक जो कोई चीज हमारा धन, कोई चीज बंद करने से पहले कोई चीज करो, शुरू करके दिखाओ, जिससे दो वक्त का ही होगा, भले वो हम फिर अपना खून ही क्यों ना हो। बेटा दो कहा हो रहा है, तुम कहा चला रहा है, आओ क्या, यही तो बोल दो आओ, अकाय बात बोला रहा, मिट्टी डालो तो पुरानी बातें हो गई, हम माफी मांग लीजिए, हम आता माई को माफ, कोई जरूरत नहीं ऐसे समझाने की, आजकल जो शेर बनकर घूमता है ना सड़कों पर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भवरी देवी का नाम जुड़ा था उसके साथ। नहीं क्या तरीका है मां,
मेरा पुत्र बताएंगे अपनी अम्मा से क्या व्यवहार करना है। थोड़ा सा पीछे चाहिए गैस, सिर्फ इतना चाहिए मूवमेंट तक। ने किया क्या है जो फरमान जा रहे हो? कड़े अभी भी सारे दो मूवमेंट के चल रहा था। आ गया सुन, आ गया सुन, आ गया मैं थोड़ा राइट में विकास में राइट मैं थोड़ा पीछे इसमें इससे आप पीछे जाओ बस सर सर थोड़ा सा आगे और आगे रोशन की बोलिंग एंड अनंत की शॉट कर बोलिंग आंशु पैदा हुए आपकी कोख से, आप ही ने पैदा किया ना, और इसी हक से तो हमारी इतनी बैंड बजाते आई है। अब थोड़ा बहुत हक तो हमें भी जमाना चाहिए। बकवास बंद कर। बचपन से लेकर आज तक सब कुछ सोने की थाल में सच कर मिला है। कभी किसी चीज के लिए उंगली उठाने की
आपकी कोक से जन्मे तो आज तक उसी हक से तो हमारी बैंड बजाते आई है। अब थोड़ा बहुत तो हक हम भी जमाएंगे ना। बकवास बंद करो। इतनी ऐठन इसलिए है ना कि बचपन से लेकर आज तक अब आप ही की कोक से तो जन्मे है और आज तक आप उसी हक से तो हमारी बैंड बजाते आई है। कम से कम हमारा भी तो थोड़ा हक जमाने का हक बनता है ना। बकवास बंद करो। इतनी ऐठन इसलिए है ना कि बचपन से लेकर आज तक जो मिला है सोने की परात में परोस कर मिला। उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। बेटा कुछ बंद करने से पहले कुछ शुरू तो करो। ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहते हो ना तुम? जाओ खुद अपना रास्ता खुद ही बनाओ। लेकिन उससे पहले हमारे धंधे पर पूरी नजर डाली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाकर 2 रुपया तो कमा कर दिखाओ हमको। दो रोटी कमाने की बेटा एड़ियां घिस जाती हैं छप्पर। मैं उस पर आने वाली थी ना आगे। हाँ तो मैं बेटा एड़ियां घिस जाती हैं दो रोटी कमाने की उस पर आ गया हूँ ना मैं। हाँ नहीं दो करेगा बेटा एक करेगा दो रोटी आपकी कोक से ही तो जन्मे हैं और आज तक उसी हक से तो हमारी बैंड बजाते आई हैं। थोड़ा बहुत तो हक हमारा भी जमता है ना। बकवास बंद करो। इतनी ऐठन इसलिए है ना कि आज तक सब कुछ सोने की थाल में परोस कर मिला है। एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। बेटा पहले कुछ बंद करने से पहले शुरू करके तो दिखाओ। ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहते हो ना तुम? जाओ बनाओ अपना रास्ता खुद कमाओ। लेकिन उससे पहले हमारे धंधे को अगर बुरी नजर से देखा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भले वो जाओ 2 रुपए तो कमा कर दिखाओ पहले। क्या हुआ है जिगरा? ओके मोमेंट से ट्रैक उधर फसवा आवे जल्दी घुमा के अरे रोल आई आई की है जिगरा। बेटा लोगों की ना एड़ियां घिस जाती हैं 2 रोटी कमाने के लिए और सर पर छत के लिए। तुम्हें सर पर छत मिली है ना उसे गिराने से पहले उसकी कीमत समझो। फिर आजी अगर कलेजा है तो अदा करो इस छत की कीमत, इस घर के खाने की कीमत, हमारे चूल्हे में पानी डालने से पहले। बोलो है गुत्ता? बोलो गुत्ते ने यहां पे बोलो गुत्ते के बाद लेफ्ट में रहना। बोले सुनो तो ले आजी अगर कलेजा है तो अदा करो इस छत की कीमत, अदा करो इस घर की रोटी की कीमत और फिर हमारे चूल्हे में पानी डालने के बारे में सोचना। बोलो कमा पाओगे? कहे कि आज के बाद से हमारे पास की जो कमाई है उससे तो एक रोटी नहीं मिलेगी इस घर में किसी को। तो सोने की भस्म खिला पाओगे ईमानदारी की चक्की चलाकर अपनी श्रद्धा मैडम जी को? देख पाओगे अपने प्यार को मरते हुए? सॉरी अपने प्यार को फूका मरते देख पाओगे अपने प्यार को भूखा मरते हुए? मैं लास्ट ले रही हूँ हिमनी, हाथों से अपने धंधे का सुहागा करेंगे। हिम्मत तो लगा सर। साले गोरे कौन सी कहती थी? क्यों सच्चाई और ईमानदारी का भूत उतर गया? बड़ा
सब गुस्सा से, और तुम्हारी अम्मा है, माफी मांगो सब सही हो जाएगा, अब भूल जा पुरानी बातों को तू, चलो अब माफी मांगो, चलो अपनी जान को भूखा मरता देख पाओगे? क्या बातें कर रही हो जीजा? अब बताइए, अब आ जाइए, तुम भी उल्टी सीधी बातें करने जा रहे हो, अब सब थूक दो, पुरानी बातों सब भूल जाओ, माफी मांग लो तुमसे। नहीं मत, कोई जरूरत नहीं है मनाने की, पता तो चले इनको, जो बाहर शेर बनकर घूमते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ में भवरी देवी का नाम जुड़ा है, निकलने तो दो बाहर। शेर की लाइन है यहीं पे खड़े खड़े, नहीं अम्मा नहीं। आज की बात करें, आज की सीक्वेंस की तो काफी मांग भड़की हुई थी बेटे पे अपने, और उसमें मामा जी से उनका हेल्प करके जा रहे थे, तो इसके बारे में कुछ अपने दर्शकों को बताएं। एक बस एक जैसा एज यू नो के शो में जिज्जी नहीं चाहती है कि श्रद्धा जो है शेर के साथ रहे साथ में, मामा कहीं ना कहीं लकड़ी लगाता रहता अपनी कि किसी ना किसी तरह से, बट मामा इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन श्रद्धा एंड शेर, उसको उससे मतलब नहीं, उसको मतलब है कि ये भवरी भी कहीं ना कहीं जो है इस हवेली को छोड़ के चले जाए, एंड ही वॉन्ट्स कि उसका सन जो है विकास वो टेक ओवर करे पूरा, क्योंकि ही सीज शेर इन हिज सन, दैट इज़ विकास। तो मामा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मामा को ये किसी तरह से भी कुछ ना कुछ कुछ टूटे जिससे कहीं ना कहीं एक और जो दरार पैदा करे वो, तो मामा इज़ इन टू हिमसेल्फ ओनली। उसको अभी माँ ने ये बोल दिया बेटे को तू रुपये कमा के दिखा, तो उसके बाद मेरे से बात करते हैं, वो अभी क्या डिसाइड करने वाले हैं कि ये अभी माँ को अब भवरी देवी का चक्कर ये है कि इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर दिया है, तो शेर ये तो हो गया कि दो रुपये कमा के दिखाओ, शेर ने कह भी दिया कि दो रुपये मैं कमा के दिखाऊंगा, सोच तो मैं भी ये रहा हूँ दो रुपये कहाँ से कमाएगा जो सोने की थाली में बचपन से सब कुछ मिला है, बट डायलॉग बाजी सीरियल में जब तक नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा, लेट्स सी कि कहाँ से कमाएगा दो रुपये, कहाँ से पालेगा वो अपने। जी सर, मेरा क्राइटेरिया, मैं फिल्म के पीछे नहीं भागता हूँ, मेरे लिए काम काम होता है, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे फिल्म्स हो, और आजकल टेलीविज़न ज़्यादा सक्सेसफुल है रादर देन फिल्म्स, बहुत से लोग आप देखो फिल्म से ही टेलीविज़न में चले आ रहे हैं, बट फॉर मी द थिंग इज़ कि जब राइट टाइम आएगा तो डेफिनेटली कुछ अच्छा आएगा तो आई विल डू इट, बट अभी मैं किसी चीज़ से पीछे भाग नहीं रहा हूँ, वॉट एवर जो सामने आया हुआ है आई एम हैप्पी विद इट, और इंशाल्लाह देखेंगे कुछ अच्छा आएगा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, तो आज जो सीक्वेंस हो रहा है आज के सीन में जो माँ जी को आप इतना तनकीद भरा डायलॉग, हाँ आज मैं फुल भवरी देवी को टक्कर दे रहा हूँ हमेशा की तरह, कि बस थोड़ा वो हमारी अगेंस्ट में जा रही है मेरे रिलेशन में, अब समय आ गया है कि किस तरीके से शेर सिंह अपनी वाइफ श्रद्धा जी के सपोर्ट में खड़ा रहेगा, हाउ विल ही स्टैंड बाय हिज वाइफ, एंड दैट्स हाउ द न्यू जर्नी ऑफ द शो हैज़ बिगन। सपोर्ट करता है अपनी वाइफ को हमेशा से, उसको चिल्लाते आया है, बहुत दर्द देते आया है, बहुत सारे मतलब हर कदम कदम पे अन्याय करते आया है, तो दिस इज़ द टाइम फॉर मी टू शो, आई मीन शेर सिंह टू शो समथिंग विच इज़ आई गेस सम पीपल आर एक्सपेक्टिंग, सम पीपल आर वेटिंग, एंड आई माई सेल्फ वेटिंग फॉर द लिटिल वेरिएशन इन द कैरेक्टर, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से होने वाली है, तो अब आगे का जो ट्रैक है वो आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो भवरी देवी के अगेंस्ट में जाता है और कैसे उसे चुप कराता है और फिर क्या उसकी एक नई लाइफ जर्नी है, एंड हाउ डज दैट ग्रो एंड व्हाट्स द ग्राफ। अभी बहुत है क्या, ये 2 रुपए कमा के दिखाओ, तो अभी की शेर सिंह कौन सा अभी शेर वो करने वाला है कि 2 रुपए मांगो तो आपको कुछ 2 रुपए कमा के जूस पिएगा बट अभी नेक्स्ट आपके क्या करने वाले वो तो मैं नहीं बता सकता क्या करने वाला हूँ, बिकॉज ऐसा कुछ है कि अब अपने पैरों पे खड़ा हूँगा मैं,
हालांकि जैसे ये बिज़नेस संभालता था, ये बिज़नेस के अगेंस्ट में जा रहा है, वो नहीं, वो इस बिज़नेस को मतलब नहीं करना चाहता है, ये उसके लिए अच्छा नहीं है, वो किसी के लिए किसी की मौत हो जाए वो एक्सपेक्ट नहीं करता था, बट उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ हाउ द थिंग इज़। सो आगे आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्या एक ग्राफ है। सीरियल से अलग हट की बात करें तो सीरियल से काफ़ी एक्ट्रेस अब फिल्मों की तरफ रुख करते हैं, तो आपका इन फ्यूचर कब तक हम लोगों को देखने को? आप लोगों को देखने को तो बहुत जल्दी मिल जाता, पर मेरे लिए ये शो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा रहेगा, कोई भी हो जो भी काम कर रहे, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई हैव ग्रोन इन माई लाइफ एंड फ्रॉम टेलीविजन टू टेलीविजन टू टेलीविजन आई हैव रीच्ड हाउस टू हाउस, हाउस टू हाउस। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग जर्नी एंड दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग स्टेप। सो चीज़ें बहुत सारी ऑफर हुई है, पर एक काम को छोड़ के दूसरा काम लेना थोड़ा सा इट्स अगेंस्ट माय एथिक्स एंड आई एम प्रीटी ओपन फॉर द फिल्म्स एज वेल। सो देर आर फ्यू थिंग्स विच आर लाइंड अप, सो यू गाइस विल बी अपडेटेड सून अबाउट दैट एज वेल। ओके सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।